हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आई होप ऑल आर डूइंग वेल सो फ्रेंड्स आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी फ्रेंड्स आज बात करेंगे जीटीएल टी इंफ्रा शेयर के बारे में बहुत लोग परेशान है बिकॉज जिन्होंने हाई पे बाइंग की है उसके बाद से शेयर बहुत ज़्यादा नीचे तक चला गया था 1.40 तक नीचे चला गया था लेकिन कुछ दिनों से अपर सर्किट देखने को मिला है एंड वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा पड़ा है एंड फ्रेंड्स अभी से एक न्यूज़ भी निकल के आई है सो so मैं आपसे शेयर करूंगी एंड अगर आपको इस शेयर में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं वो भी ज़रूर डिस्कस करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो फ्रेंड्स चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी इंफ्रा लास्ट सेशन में वन की क्लोजिंग दी है अपर सर्किट लगा है थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट का फ्रेंड्स अगर बात करें रिटर्न की तो फाइव डेज में जीरो परसेंट रिटर्न दिया है जितना नीचे गया था उतना ही ऊपर आया है वन मंथ में दिया है माइनस इलेवन परसेंट आपको पता है बहुत ऊपर से नीचे आया है एंड सिक्स मंथ्स में भी नेगेटिव रिटर्न दिया है माइनस एट परसेंट का अब बात करते हैं मार्केट कैप की कंपनी है दो हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की एंड फ्रेंड्स जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा शेयर प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा मार्केट कैप भी कंपनी की ज़रूर बढ़ेगी अब फ्रेंड बात करते हैं कि ये टू तक चला गया था उसके बाद 2.50 तक फ्रेंड इसमें बैक टू बैक अपर सर्कल लगा था उसके बाद से फ्रेंड से नीचे आता गया और 1.40 तक नीचे गया अब आगे क्या उम्मीद है आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं आपको शॉर्ट टर्म पे क्या टारगेट लेके चलना चाहिए सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंड फिफ्टी वीक हाई और लो बता देती हूँ पहले फिफ्टी टू वीक हाई था फोर पॉइंट ज़ीरो फाइव तो जल्दी ही आपको इसे क्रॉस करता दिखेगा जैसे ही फाइव जी लॉन्च हो जाएगा और आप सब जानते हैं कि जो हमारी सरकार है फाइव जी को जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहती है आपको पता है स्पेक्ट्रम की नीलामी का जो प्राइस था मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था जो स्पेक्ट्रम की नीलामी का प्राइस था उसको अब कम करने के लिए विचार विमर्श करेगी हमारी सरकार जैसी कोई अपडेट आता निकल के मैं आपको ज़रूर बताऊँगी एंड फ्रेंड्स आपको शेयर बहुत सस्ते प्राइस में मिल रहा है जो लोग एज अ ट्रेडर्स ट्रेडर सोच रखते हैं कि जल्दी से जल्दी रिटर्न कमाना चाहते हैं वो इस टाइम पे इस प्राइस में शेयर में ज़रूर एंट्री ले सकते हैं और जैसे ही ये अपना 2.50 का टारगेट लेके चल सकते हो आप जैसे ही 2.50 पे आता है उस टाइम पे निकल जाइए और जो लोग लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं बिकॉज जैसे 5G जी लॉन्च आएगा आपको पता है टावर्स बना दिया कंपनी ये अपना जो फिफ्टी वीक हाई जो फोर है उसको क्रॉस करता आराम से दिख जाएगा फ्रेंड्स एंड बात करें आपको ये फ्यूचर में 125 परसेंट तक का फ्रेंड्स रिटर्न दे सकता है क्योंकि इतना ही नीचे आया है तो ये भी अपना माइंड सेट रख के चलिए बिकॉज अब एफ आई आई डी आई ने भी अपनी मार्केट में बाइंग स्टार्ट कर दी है मार्केट पॉजिटिव की तरफ जा रही है आपको भी पता है अब मार्केट पॉजिटिव की तरफ जाएगी जितने भी शेयर टूटे हैं जितने उतने वापस ज़रूर आएंगे फ्रेंड्स तो शॉर्ट टर्म टारगेट आप ले कर चल लीजिए टू पॉइंट फाइव जीरो का जहाँ से नीचे आया था और लॉन्ग टर्म अगर रखना चाहते हैं कुछ लोग तो रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी अपना लॉस भी धीरे धीरे कम कर रही है एंड फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि एक बड़ी डील हुई है फ्रेंड्स लास्ट सेशन में देखा गया है कि एक करोड़ पच्चीस लाख की एक बहुत बड़ी डील हुई है अब ये डी भी हो सकते हैं एफ भी हो सकते हैं या बिग फंड हाउस भी हो सकते हैं जिन्होंने इतनी बड़ा अमाउंट उठाया है तो वन लैक ट्वेंट वन करोड़ ट्वेंटी फाइव लैक की एक बड़ी सी बाइंग हुई है लास्ट सेशन में तो अब आपको पता लग रहा होगा कि शेयर प्राइस ने ऊपर जाना है तो एफ भी एंट्री करेंगे डी भी एंट्री करेंगे या बिग बिग फंड हाउस भी हो सकते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी डील उठाई हो फ्रेंड्स एक और न्यूज़ है कि रिजल्ट भी आने वाला है क्यू इसलिए इन ट्रेडिंग बंद है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था बिकॉज कोई मिस ना करे इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग बंद हो जाती है सेबी का रूल होता है फोर्टी आवर्स तक बंद रहती है रिजल्ट अच्छे आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं बिकॉज फाइव इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया उसके बाद सरकार भी जल्दी से जल्दी इसको लॉन्च करना चाहती है स्पेक्ट्रम के प्राइस पर डिस्कशन चल रही है रिकमेंडेशन भी बता दूँ कि एट्टी फाइव परसेंट लोग कह रहे हैं इसे बाय करो सिक्स परसेंट कह रहे हैं सेल करो एंड नाइन परसेंट कह रहे हैं होल्ड करो रेजिस्टेंट बता देती हूँ कि जो अगर वन पॉइंट फाइव फाइव को तोड़ता है तो पहला जाएगा वन पॉइंट फाइव फाइव वन पॉइंट फाइव टू पे वन पॉइंट फाइव थ्री एंड वन पॉइंट फाइव सेवन ये फ्रेंड्स इसके रेजिस्टेंस है और अगर नीचे आते हैं तो 1.47 तक जाएगा 1.43 और 1.42 तो फ्रेंड्स ज़्यादा चांसेस ऊपर जाने के ही हैं बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर अब एक बूम सेक्टर बनने वाला है आप सबको पता है जैसे ही स्पेक्ट्रम के प्राइस अगर डिक्रीज हुए कोई न्यूज़ आती है तो मैं डेफिनेटली वीडियो के थ्रू आपको जरूर बताऊंगी इसलिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर एंड बेल बटन को प्रेस करना ज़रूर कर देना बिकॉज उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जल्दी से जल्दी तो फ्रेंड्स अभी तो ये वीडियो मैंने इसलिए बताई थी जो लोग पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म एक अच्छा अमाउंट कमाना चाहते हैं वो जी टी एल इंफ्रा को जरूर कंसिडर कर सकते हैं इस प्राइस इस प्राइस में एंट्री लेके और टू पॉइंट फाइव जीरो को एक टारगेट लेके चलिए ये आपको जल्दी ही अचीव होता दिखेगा टू पॉइंट फाइव जीरो पर एक्जिट लेके अपना एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट